देखिए, जब से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई है उसके कुछ दिनों बाद ही प्रशासन ने जितने भी बीएलओस थे उनको एक सूची तैयार करने के लिए कहा था और सूची के अंदर बीएलओस को ये निर्देशित किया गया था। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। कि ऐसे परिवारों की, ऐसे लोगों को उसके अंदर चिन्हित किया जाए जो लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नहीं आते, जिनके पास किसी प्रकार का कोई राशन कार्ड नहीं है, किसी प्रकार की कोई मजदूर डायरी नहीं है। ऐसे लोगों को चिन्हित करने के निर्देश उन्हें दिए गए थे और ब्यूलोस ने ऐसे लोगों को चिन्हित किया। लेकिन देखने में ये आया कि जब ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया तो ऐसे लोगों की जो संख्या है वो हर वार्ड के अंदर बहुत कम है और उसका परिणाम आज और कल से लगातार देखने को मिल रहा है। नतीजे ये हो रहे हैं कि ब्यूलोस ने तो सूची प्रशासन को मुहैया करा दी है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो एपीएल राशन कार्ड धारक हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों को उसके अंदर अभी तक किसी प्रकार का प्रशासनिक या सरकार का किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। राशन उन लोगों के पास में नहीं है, किसी भी प्रकार से मदद उन लोगों के पास में नहीं पहुंची है। स्वयंसेवी संस्थाएं अभी तक मदद दे रही थी, लेकिन अब आज से देखने में आया है कि कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और नतीजा ये हो रहा है कि कई मजदूर परिवार ऐसे हैं, कई घर ऐसे हैं जो अब खुलकर सामने आ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और ये तमाम जो लोग हैं, इन लोगों का जो विरोध है वो स्थानीय जो पार्षद है उनको झेलना पड़ रहा है। ये वार्ड नंबर 4 के पार्षद है राजेंद्र पवार, इनके इलाके के अंदर कुछ लोगों ने विरोध दर्ज कराया है। हालांकि कैमरे के ऊपर किसी भी शख्स ने अभी तक अपनी बात को नहीं रखा है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड एमपीटीवी इंडिया को ये बताया है कि वार्ड 4 के अंदर कई परिवार ऐसे हैं जिनको अभी तक किसी प्रकार से राशन की कोई सूखे राशन की कोई सुविधा उन्हें प्राप्त नहीं हुई, ना ही प्रशासन के जरिए और ना ही पार्षद के जरिए। और इसी के बाद में जब एमपीटीवी इंडिया ने वार्ड 4 के पार्षद राजेंद्र पवार से बात की तो उनका बयान आया है। उनके बयान में स्पष्ट तौर पर उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों को जिलों को दोबारा से दिशा निर्देश देने चाहिए और दोबारा से एक बार फिर अजमेर शहर के कई इलाकों में जाकर जिलों को काम करना चाहिए और वहां से वापस से एक ऐसी सूची तैयार करनी चाहिए जिसके अंदर तमाम वो लोगों को शामिल किया जाए जिन लोगों के घर में इस वक्त सूखे राशन की कमी है। उसके साथ साथ पार्षद ने अपनी सीमाओं का भी जिक्र किया है कि अपने स्तर पर वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सीमाएं हर भामाशाह, हर जन पार्षद की और स्वयंसेवी संस्थाओं की है। कई जगह पर वो नहीं भी पहुंच पाते हैं, तो उसके लिए उन्होंने एमपीटीवी इंडिया के जरिए निवेदन किया है अपने वार्डवासियों से कि किसी को भी अगर घर में राशन की कमी लगती है तो जो वार्ड पार्षद है उन्होंने अपना नंबर भी साझा किया है एमपीटीवी इंडिया के माध्यम से, उस नंबर के ऊपर कॉल कर सूखे राशन की सामग्री मंगा सकते हैं। विगत 15 दिनों से जो ये कोरोना नाम की महामारी पूरे विश्व में व्याप्त है उसका असर भारत में भी दिखाई देने लगा है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने बहुत ही धैर्यपूर्वक इस संकट से देश को बचा के रखा है और इसके फलस्वरूप अजमेर में भी विभिन्न सरकारी संस्थाएं, एनजीओ और प्रशासन ने कई प्रकार की व्यवस्थाएं की है और उसी क्रम में वार्ड 4 में भी कई दानदाता सामने आए हैं। उनके माध्यम से, जनता रसोई के माध्यम से, अन्नपूर्णा सेवा फाउंडेशन के माध्यम से, प्रकाश नगर विकास समिति के माध्यम से लगभग 1000 लोगों को रोजाना भोजन पैकेट की व्यवस्था की जा रही है और समय समय पर जिन दानदाताओं के माध्यम से सूखी सामग्री आ रही है वो भी वितरित की जा रही है। पर ऐसा ध्यान में आ रहा है कि प्रशासन अपनी व्यवस्थाएं पूरी रूप से ठीक प्रकार से नहीं चला पा रहा है क्योंकि उसने सूखी सामग्री के लिए बीएलओस को अधिकृत किया है, बीएलओस ने जो सूची बनाई उसकी जानकारी हमको नहीं है। तो ये एक विरोधाभास की स्थिति बन रही है कि बीएलओ ने किन लोगों की सूची बनाई, किन लोगों के नाम लिखे। कल जब सूखी सामग्री वितरित हुई थी बीएलओ के माध्यम से तो मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आए, हमारा नाम नहीं है। तो ऐसे कई लोग हैं जिनको राशन के सामान की अपेक्षा है लेकिन उनको राशन का सामान नहीं मिल पा रहा है, ऐसे लोगों को मैंने सूचीबद्ध किया है और कई लोग मेरे घर पर नियमित आ रहे हैं अपनी समस्या लेकर, उनका उचित निस्तारण मैं अपने प्रयास से कर पा रहा हूँ और मेरे वार्ड में पर्याप्त भामाशाह है और उनके माध्यम से सेवा कार्य चल रहा है। फिर भी किसी को यदि आपत्ति है, किसी को समस्या है तो मेरा मोबाइल नंबर 9828526976 है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरी जनता से अपील करना चाहता हूँ, मेरे वार्ड का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा और जितनी यथासंभव होगी सहायता मैं करूँगा। बहुत बहुत आभार चैनल के माध्यम से प्रशासन का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का, मेरे कार्यकर्ता जो पूरे 15 दिन से लगातार तन मन धन से मेरे साथ लगे उनका हृदय के अंतरिम तल से आभार और सभी एनजीओ जो मेरे वार्ड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनका हृदय के अंतरिम तल से आभार। राजेंद्र सिंह पवार, पार्षद वार्ड नंबर 4।